हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक न्यू चैप्टर के बारे में। इसका नाम है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी से आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में क्या होता है हमारे पास? कंटिन्यूटी में जैसे आपको नाम में समझ में आया कि कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब होता है हमारे पास कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस। कंटिन्यूटी का मतलब ही कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यू होना। जैसे हमारे पास एक ग्राफ है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है हमारे पास y इक्वल टू x स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये जो ग्राफ है हमारे पास वो कैसा ग्राफ है? यहाँ पे जो ऐसा पैराबोला है हमारे पास, और पैराबोला पता है कि ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस है। देखो यहाँ पे मैंने एक जो कंटिन्यूस फंक्शन होता क्या है कि अगर मैंने एक पेन रखा है और उसके बाद में ग्राफ चलता ही जा रहा है, हमारे पास रुकता नहीं है, मतलब यहाँ पे ब्रेक नहीं होता है। ब्रेक नहीं होता है दैट मीन्स वही पॉइंट जो होता है हमारे पास जो ग्राफ होता है उसको बोलते हैं कंटिन्यूस ग्राफ। अगर वो फंक्शन किसी एक पॉइंट पे ब्रेक हो जाता है, किसी एक पॉइंट पे ब्रेक हो जाएगा दैट मीन्स उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, वो उस पॉइंट पे क्या है डिसकंटिन्यूस है। जैसे एक ग्राफ है हमारे पास ये, और एक ग्राफ है हमारे पास ऐसा। ये जो ग्राफ है ये बोलते हैं वाई इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू वन बाई एक्स, और ये जो ग्राफ है ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दो ग्राफ है हमारे पास। अब दोनों ग्राफ को आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है हमारे पास यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मतलब यहाँ फंक्शन कैसा है हमारे पास कंटिन्यूस है। देखिए मैंने एक जगह पेन रखा, एक जगह आप किसी भी वैल्यू को पुट कर लो और उस फंक्शन से ग्राफ बनाना चालू करोगे, यहाँ से आने के बाद वापस आता है। पेन हमारे पास नहीं उठता है, पेन मैंने अगर बोर्ड पर रखा है उसके बाद बनाना चालू किया था तो ऐसे ही बन गया था हमारे पास। ओके, अब इस ग्राफ के लिए बात करते हैं। इस ग्राफ के लिए बात करेंगे तो y इक्वल टू क्या है 1 बाई x, 1 बाई x है मतलब क्या करेंगे अगर हम यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर रखा मैंने पेन को और फिर यहाँ पर नीचे आ गया तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट जैसे ही नीचे आया तो फिर मैंने पॉजिटिव वैल्यू रखी। पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमारे पास क्या होता है, मैंने यहाँ से पेन उठा के यहाँ पे रखेंगे तो इस पॉइंट में कैसा आएगा हमारे पास, पेन हमें उठाना पड़ गया बोर्ड से। तो अगर उस ऐसे पॉइंट जो ग्राफ होते हैं, ऐसे जो ग्राफ होते हैं ऐसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूस ग्राफ। और ये कैसा है हमारे पास कंटिन्यूस। ओके, ये तो हमारे पास ग्राफिकली बात कर ली हम लोगों ने, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बारे में। अब बात करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक पॉइंट देते हैं, जैसे हमें इसी ये ग्राफ लेते हैं हम लोग, इस पॉइंट को बात करते हैं कि मैंने x इक्वल टू 2 पर निकाला, x इक्वल टू 2 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। इसको भी ले लेते हैं x इक्वल टू 2 पर हमारे पास कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो 2 के लिए बात करेंगे, जैसा कि लिमिट में पढ़ा था हमने, लिमिट में क्या पढ़ा था RHL इक्वल टू RHL, तो लिमिट कैसी होती है एडजस्ट करती है। अब बात करेंगे कंटिन्यूस की, तो यहाँ पे क्या रहेगा f ऑफ 2, मतलब कहने का है RHL जो है वो भी इक्वल होना चाहिए RHL के, और RHL इक्वल होना चाहिए f ऑफ 2 के, मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल अगर हमारे पास मिल रही है ट्रू वैल्यूज तो ऐसे फंक्शन कैसे होते हैं हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। ओके, तो कंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं फिर से बोल सीखेंगे कि जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, जिस वैल्यू की बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं उसके लेफ्ट साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट साइड की वैल्यू राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो चाहिए, और साथ ही साथ उस पॉइंट पर ये जो वैल्यू हमारे पास इस पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए। ओके, और तीनों वैल्यू अगर इक्वल आ रही हैं तो वो फंक्शन कैसा होता है कंटिन्यूस फंक्शन होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 पे कैसा है, 2 पे भी हमारे पास मिलेगा वैसे वैल्यू मिलेगी 2 माइनस एच का परपेंडिकुलर स्क्वायर, एच टेंस टू 0 तो 2 माइनस एच का स्क्वायर मतलब 2 माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज 4, एलएचएल की वैल्यू 4, आरएचएल की वैल्यू भी 4 आएगी, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2 स्क्वायर। एफ ऑफ 2 मतलब यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ 2 स्क्वायर। ओके, f of x equals to 2 square मतलब 4, तो 4 4 4 तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है हमारे पास। इसके लिए बात करते हैं, इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे 2 माइनस एच करेंगे इनिशियल से जो हाफ आएगा, 2 प्लस एच करते हैं तब भी हाफ आएगा, और 2 पुट करेंगे तब भी हाफ आएगा। ये 2 पर कैसा है कंटिन्यूस है। ओके, अब बात करते हैं 0 पर, x equal to 0 पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, 0 पे बात करते हैं, 0 पे बात करेंगे क्या मिलेगा हमारे पास यहाँ पर, जीरो रखोगे तो जीरो मिलेगा, जीरो माइनस एस जीरो, जीरो प्लस एस जीरो, क्योंकि लिमिट आप
पढ़ चुके हो LHL और RHL आपके कागज आ जाएंगे। क्या करोगे, 0 माइनस h स्क्वायर मतलब h टेंस टू 0 है हमारे पास, तो माइनस h स्क्वायर मतलब h स्क्वायर, और h टेंस टू 0 है मतलब h, जब 0 पुट करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा, LHL की बात की मैंने, फिर RHL की बात करेंगे क्या आएगा, 0 प्लस h स्क्वायर, ओके 0 प्लस h स्क्वायर, ओके तो यहां पे क्या आएगा, फिर से 0 हो जाएगा, बट यहाँ पे जब कैंसिल होगे तो 0 माइनस एच आएगा और एच कैसा है 0, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या आएगी, माइनस नॉट डिफाइंड आएगी। कैसे, मैं फिर से बता देता हूँ, इसको रफ कर लूँ इस साइड पर, आपको LHL की बात करते हैं फंक्शन की, लिमिट LHL लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस 0 की बात कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू 0 के लिए, फंक्शन कैसा है हमारे पास 1/x, फंक्शन कैसा है 1/x, क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन 0 माइनस h, ओके लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1/h, कैसे 0 माइनस h माइनस h एंड देन 1/h, अप्लाई कर देंगे लिमिट को तो क्या रहेगा माइनस 1/0 मतलब माइनस नॉट डिफाइंड। ये हमें बात की है LHL पोर्शन की, अब बात करेंगे RHL पोर्शन के लिए, RHL के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन सॉरी x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव 1 अपॉन x ओके, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन 0 प्लस x, ओके 0 प्लस x करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x, जैसे ही आपने पुट किया 1/h, अप्लाई करोगे लिमिट को, अप्लाई किया तो 1/0 मतलब प्लस नॉट डिफाइंड, और माइनस नॉट डिफाइंड डज नॉट इक्वल टू प्लस नॉट डिफाइंड, दैट मींस LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, तो हमें आगे की बात चेक ही नहीं करनी है, ओके मैंने आपको क्या बोला था LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 2, मतलब तीनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, जब कोई दो वैल्यू इक्वल नहीं होंगी तीसरी वैल्यू चेक ही नहीं करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा LHL does not equal to RHL, that means limit does not exist at x equal to 0, मतलब क्या आएगा हमारे पास कि 0 पर फंक्शन कैसा है, discontinuous है, ओके नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये तो इंट्रोडक्शन था हमारे पास, पॉइंट के फर्स्ट कंटिन्यूटी एट ए गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट जैसा कि मैंने अभी आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि एक पॉइंट की पर्टिकुलर पॉइंट की ही बात करते हैं यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करते जाएंगे, ओके जैसे क्वेश्चन लेते हैं, पॉइंट को डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन है टेस्ट द कंटिन्यूटी, क्वेश्चन है टेस्ट द कंटिन्यूटी, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द ओरिजिन fx equal to mod x upon x, x does not equal to 0 and 1 x equal to 0, okay ये function दिया हुआ है हमारे पास fx equal to, यहाँ पे 0 पर check कर रहे हैं, एक बार आप try कीजिए LHL के लिए भी और RHL के लिए भी,
क्या करेंगे, एलएच की बात करते हैं। एचएल आप कहेंगे क्या देगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो, सॉरी एक्स टेंस टू जीरो माइनस, और आपको बोला है कि जीरो पर नहीं है, जीरो पर है मतलब जो नहीं है एलएचएल और एचएल, एक हम चूज करेंगे मॉड एक्स अपॉन में एक्स, फिर क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास जीरो माइनस एच मॉड अपॉन में जीरो माइनस एक्स एच, देन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये क्या आएगा माइनस एच, माइनस एच मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास मॉड ओपन होने के प्लस एच अपॉन में माइनस एच, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो क्या आया माइनस वन, लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे जब एच है ही नहीं, लिमिट अप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारे पास माइनस वन, माइनस वन आएगा मतलब क्या हो गया हमारे पास, ध्यान से देखिए एल एच की वैल्यू माइनस वन आ गई और एफ ऑफ जीरो आपको क्या दिया हुआ है वन, मतलब एल एच एल डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, मतलब क्या हो गया कि जीरो पर जो फंक्शन गिवेन है ये फंक्शन आपको कंटिन्यूटी नहीं है। आपको पहले बता रहा हूँ बार बार कि अगर हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो फंक्शन पहली बार यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, ओके इक्वल नहीं आ रहा है कोई भी एक वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है गिवन वैल्यू के रिगार्डिंग, तो आपका फंक्शन कैसा होता है डिसकंटिन्यूअस होता है, ओके नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेम पॉइंट का ये देखिए, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स गिवेन बाय f of x equal to e raised to 1 by x, e raised to 1 by x minus 1 upon me, e raised to 1 by x plus 1, x does not equal to 0 and 0 when x equal to 0, तो यहां पर आपको बताना है इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, एक बार चेक कीजिए आप लोग उस क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या करेंगे आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या आएगा 1 by x e raise to 1 by x minus 1 upon में e raise to 1 by x plus 1, ओके ये कब है जब 0 does not equal to 0 है, 0 नहीं है मतलब LHL और RHL के लिए हम किस फंक्शन का यूज करेंगे, इस फंक्शन का यूज करेंगे और f of 0 की वैल्यू क्या गिवन है, 0 गिवन है, f of 0 कैसे फाइंड किया मैंने कि आपको यहाँ पे x equal to 0 दिया है, यहाँ पे जैसे जीरो पुट करो तो क्या फंक्शन वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, जीरो आ रही है, ओके एक बार ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल चैप्टर है आपके पास ये, अगर आपने लिमिट अच्छे से पढ़ा होगा तो ये फंक्शन बहुत इजी लगेगा, ओके पहले आप ट्राई कीजिए फिर मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ।
देखिए यहाँ पे एलएचएम क्या करेंगे हम लोग, एलएचएम क्या है हमारे पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस ई रेस टू वन बाई एक्स माइनस वन अपॉन में ई रेस टू वन बाई एक्स प्लस वन। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, यहाँ पे जैसे हमें क्या कह रहे हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो ई रेस टू वन अपॉन जीरो माइनस एच, मतलब क्या आएगा माइनस एच, माइनस में वन अपॉन में ई रेस टू वन अपॉन माइनस एच प्लस में वन, वन अपॉन माइनस एच, राइट। अब जैसे ही आपने यहाँ पे पुट किया टेंस टू जीरो, लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाई लिमिट, यहाँ से देखिए क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे e रेस टू माइनस नॉट डिफाइंड माइनस वन अपॉन में e रेस टू माइनस नॉट डिफाइंड प्लस वन। कैसे ये कह रही है वन अपॉन माइनस एच, वन अपॉन माइनस एच मतलब वन अपॉन जीरो माइनस जीरो, वन अपॉन माइनस जीरो मतलब माइनस नॉट डिफाइंड माइनस वन, फिर e रेस टू माइनस नॉट डिफाइंड प्लस वन। अच्छा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि e रेस टू माइनस नॉट डिफाइंड क्या होता है, ये होता है वन अपॉन e रेस टू नॉट डिफाइंड, और वन अपॉन इज मतलब वन अपॉन नॉट डिफाइंड, वन अपॉन नॉट डिफाइंड क्या होता है जीरो, तो ये रहेगा हमारे पास जीरो माइनस वन अपॉन में जीरो प्लस वन, दैट मीन्स माइनस वन अपॉन वन आंसर इज माइनस वन। एलएचएम की वैल्यू माइनस वन है और एफ ऑफ जीरो क्या गिवन है, एलएचएम डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन जो हमारे पास गिवन है एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, एंड एक्स इक्वल टू जीरो। ओके नोट कीजिए, फिर हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। LHL does not equal to f of half.
तो आगे हमें सॉल्व ही नहीं करना है। अगर हमारे पास एक वैल्यू किसी अदर वैल्यू के इक्वल नहीं आती है तो आगे में आरएचएस में फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको सॉल्व करने का मन है तो आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो एलएचएस डज नॉट इक्वल टू हाफ देन एफएक्स इज डिसकंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू हाफ। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू टू माइनस एक्स x less than 2, 2 plus x, x greater than 2, greater than or equal to 2, at x equals to 2. Okay, solve it. क्या करेंगे आप यहाँ से देखें, फिर से मैं एलएचएल की बात करती हूँ। एलएचएल लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू निगेटिव, टू निगेटिव लेस देन फंक्शन क्या है हमारे पास, टू माइनस एक्स, टू माइनस एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, टू माइनस एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, टू माइनस टू प्लस एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, क्या आया एक्स, अप्लाई कर दी लिमिट को, अप्लाई लिमिट तो एलएचएल भी आएगा हमारे पास जीरो, राइट। आप देखो यहाँ पर आपके पास आरएचएल की वैल्यू फाइंड करना है, आरएचएल निकालेंगे आप लिमिट एक्स एक्स टेंडिंग टू टू पॉजिटिव, तो टू प्लस एक्स लिमिट x tends to 0, 2 plus x क्यों, क्योंकि greater than function के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 plus x दिया हुआ है, यहाँ पे 2 plus x limit x tends to 0, 4 plus x limit, अच्छा limit apply कर देते हैं, applying limit क्या हो गया 4 plus 0 that is 4। अब देखिए LHL क्या आया है हमारे पास, 0 आया है, RHL क्या आया है 4 आया है, यहाँ पर LHL does not equal to RHL, तो fx is discontinuous at x equals to 2। okay, आप ऐसा मत सोचिएगा कि सारे फंक्शन discontinuous है तो सारे जितने given फंक्शन सारे discontinuous होते हैं, ऐसा नहीं होता, किसी किसी फंक्शन में हमारे पास equal भी आ जाता है। ओके, तो अभी आपके पास क्वेश्चन कही है, यहाँ पे आपके मैथड समझ में आ रहे होंगे कि कैसे क्या करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले नोट कर लीजिए। At x equal to 1,
कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, ओके इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फिर से बात करेंगे क्या, LHL से बात करेंगे क्या, अब हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू किस पॉइंट की बात की है, 1 के लिए बात की है, क्या रहेगा 1 नेगेटिव एफ एक्स के अगर नेगेटिव के लिए लेस फंक्शन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 5x-4 लिमिट एच टेंस टू 0 5 इन ब्रैकेट 1-x-4 लिमिट एच टेंस टू 0 5-5x-4 लिमिट एच टेंस टू 0 1-5x अप्लाई कर दो लिमिट को, अप्लाई कर देंगे लिमिट को क्या आएगा 1-0 दैट इज 1, ओके देन RHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव के लिए 1 से ग्रेटर फंक्शन कौन सा है, ये आएगा 4x³-3x लिमिट x टेंड टू 0 4 इन ब्रैकेट 1+x³-3 इन ब्रैकेट 1+h लिमिट को यहीं पे अप्लाई कर दो, इसको एक्सपांड मत करना क्योंकि एक्सपांड करोगे तब भी वो 0 होगा, अप्लाई कर दोगे तब भी वो 0 होगा, दैट मींस यहां पे क्या आएगा 4 इन ब्रैकेट 1+03 टाइम्स 1+0 4-3 दैट इज 1। अच्छा ध्यान से कि LHL भी आया 1 RHL 1 आया बट अभी भी f ऑफ 1 नहीं निकला है, ओके तो f ऑफ 1 की बात करते हैं, f ऑफ 1 क्या है हमारे पास, इक्वालिटी कहां पर है इस फंक्शन में, इक्वालिटी कहां पर है, इक्वल यहां पर साइन दिया हुआ है, इक्वल यहां पे दिया हुआ है, फंक्शन कौन से होगा fx 5 in 5 -1 sorry 4 5 in 5 -4 दैट इज 1, f ऑफ 1 की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास 1, मतलब क्या हो गया LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 1। देखो यहां पर तीनों इक्वल आ गए मतलब फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ओके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन शो दैट फंक्शन fx इक्वल टू show that function fx equal to 2x minus mod x is continuous at x equal to 0, ओके यहाँ पे देखिए फिर से LHL लिमिट x टेंडिंग टू
जीरो माइनस फंक्शन तुम्हारे पास सेम रहेगा, टू एक्स माइनस नॉट एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स टेंड टू जीरो लिमिट x टेंड्स टू जीरो टू इन ब्रैकेट जीरो माइनस एच माइनस मॉड जीरो माइनस एच, तो क्या हो गया हमारे पास माइनस टू एच माइनस ये कैसा आएगा पॉजिटिव, ओके देन लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस थ्री एच लिमिट को अप्लाई कर दिया, अप्लाइंग लिमिट क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो, फिर आर एच एल लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव जाएगा फंक्शन क्या जाएगा टू एक्स माइनस मॉड एक्स, टू एक्स माइनस मॉड एक्स लिमिट एक्सटेंड टू जीरो टू इन ब्रैकेट जीरो प्लस एक्स माइनस जीरो प्लस एक्स लिमिट एक्स टेंड टू जीरो टू एक्स माइनस ये कैसा आएगा प्लस एक्स, क्योंकि मॉड के अंदर से हमेशा प्लस निकल के आता है, तो क्या जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो क्या यार एच अप्लाई कर दिया लिमिट को तो क्या जाएगा जीरो, एफ ऑफ जीरो की बात कर लेते हैं तो टू इंटू जीरो माइनस जीरो आंसर इज जीरो, मतलब क्या हो गया एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो दैट्स प्रूव, ओके यही तो प्रूव करना था आपको, नोट कर लीजिए। अब एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं मॉड का, क्वेश्चन देखिए डिस्कस द कंटिन्यूटी, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू, मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू एट एक्स इक्वल टू वन, एट एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू टू। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्वेश्चन दो है, एक क्वेश्चन ये नहीं है, आपके पास दो क्वेश्चन है, कहाँ पर एक x इक्वल टू वन पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है और एक x इक्वल टू टू पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, ओके तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, आप इसको देख के एक क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले मॉड है तो मॉड को मैंने ओपन करना है, मॉड को मैंने ओपन करना है, फंक्शन बनाना है एफ एक्स इक्वल टू, देखो आपको बता रहा हूँ फंक्शन कैसे बनाते हैं इस बात को अच्छे से समझिएगा, फंक्शन बनाना है हमें एफ एक्स को क्या करना है यहाँ पर आपको बनाना है, कैसे बनाएंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू ये दिया हुआ है, इसे बनाएंगे कैसे ध्यान से देखिए, मैं बड़ा सा ब्रैकेट बना रहा हूँ, 1 से लेस चाहिए हमें मतलब x लेस देन 1, फिर 1 से ग्रेटर चाहिए और 2 से लेस चाहिए और 2 से ग्रेटर चाहिए, बस इतनी वैल्यू चाहिए हमें यहाँ पर, हमें ये नहीं पता है कि कैसा क्या है, आपको 1 से लेस, 1 से लेस मतलब यहाँ पे क्यों 1 से लेस बात कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में क्या है 1 और 2 के लिए बात की है, तो हमें अगर कंटिन्यूटी चेक करनी होती है तो हम कहते चाहिए एल एच एल मतलब 1 से लेस पोर्शन चाहिए, 1 से राइट पोर्शन चाहिए और 1 पे इक्वल पोर्शन चाहिए, ओके तो यहाँ पे देखिए 1 से लेस अगर मैं कोई वैल्यू डालता हूँ यहाँ पर माइनस टू डाल देता हूँ 1 से लेस तो कैसा आएगा माइनस थ्री, माइनस टू डालता हूँ माइनस थ्री और बाहर आकर कैसा होगा प्लस होगा, कैसे होता है क्योंकि
माइनस का मल्टीपल होता है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस इन ब्रैकेट माइनस एक्स माइनस वन, मतलब जो अंदर वाला वैल्यू आएगी वो क्या होगी हमारे पास नेगेटिव होगी, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीपल करना पड़ता है, इसलिए हमें यह माइनस एक्स माइनस वन। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे वही वैल्यू माइनस टू डाला था हमने, माइनस टू डालेंगे यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास माइनस फोर, ये भी निगेटिव है, इसको निगेटिव से पॉजिटिव करेंगे माइनस का मल्टीपल, माइनस और प्लस माइनस मतलब माइनस एक्स माइनस टू हो गया। ओके, फिर बात करते हैं वन से ग्रेटर हम लोग लेते हैं 1.5 लेते हैं, क्योंकि टू से लेस चाहिए, 1.5 लेते हैं, 1.5 लेने ये वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव आ रहा था कैसे पॉजिटिव का मल्टीपल करके, मतलब जो पहला वाला मॉड है ये कैसा ओपन होगा पॉजिटिव ओपन होगा, फिर माइनस सॉरी प्लस, यहाँ पर प्लस क्यों क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, 1.5 लेंगे क्या आएगा माइनस 0.5 आएगा, अंदर फंक्शन कैसी है नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव कर लेंगे माइनस का मल्टीपल, यहाँ पर माइनस एक्स माइनस में टू। फिर बात कर लेते हैं 2 से ग्रेटर 3 ले लेते हैं, 3 माइनस 1 2 पॉजिटिव 2 है, मॉड कैसा ओपन होगा पॉजिटिव। फिर बात करते हैं यहाँ पर 3 रखना ये भी पॉजिटिव है, ये भी कैसा आएगा पॉजिटिव है, तो बन गया फंक्शन हमारे पास fx इक्वल टू ध्यान से देखिए सॉल्व करते हैं इसको, माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, x से x कैंसिल हो जाएगा ये आएगा 1, यहाँ पे 2x माइनस 3, ये कब है x लेस देन 1, 1 ग्रेटर और इक्वल टू x लेस देन 2, x ग्रेटर और इक्वल टू 2, फंक्शन बन गया। अब हमें क्या करना है फंक्शन के जो x इक्वल टू 1 पर सेकंड चेक करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एट x इक्वल टू 1 LHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या है माइनस 2x प्लस 3, माइनस 2x प्लस 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस x प्लस 3, अप्लाई कर दो लिमिट को, लिमिट अप्लाई किया क्या है माइनस 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस 0 प्लस 3 दैट इज 1। आगे हमारे पास फिर इसी के आरएच की बात करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव के लिए फंक्शन क्या है 1, यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है वैल्यू क्या आएगी 1, और 1 में इक्वल के लिए f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 1 में इक्वल टू यहाँ पर है मतलब उसके लिए भी क्या दिया हुआ है 1, मतलब पहले क्या है x इक्वल टू 1 के लिए LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 1 आ गया, मतलब फंक्शन fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। ओके, अब यही क्वेश्चन जैसे ही आपको दिया हुआ है आपको 2 पे चेक करना है, 2 से लेस के लिए फंक्शन क्या होगा 1, 2 से ग्रेटर के लिए यहां पर दिया हुआ है 2x माइनस 3, और 2 पर इक्वलिटी के लिए भी 2x माइनस 3 है। ओके, तो 2 पे आप चेक कीजिएगा, अगर खुद पे नहीं आता है तो आप एक से पूछ लीजिएगा। ओके, नोट कीजिए अच्छा क्वेश्चन था ये, मॉड को सबसे पहले ओपन करना आना चाहिए आपके पास, चेक हो गया होगा आपके पास। अब बात करते हैं x इक्वल टू 2 के लिए, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एट x इक्वल टू 2 के लिए LHL क्या होगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या है 1, डायरेक्ट लिखा आएगा 1, RHL लिमिट x टेंड टू पॉजिटिव 2 पॉजिटिव लेंगे 2x माइनस 3 लिमिट x टेंड्स टू 0 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस h माइनस 3 लिमिट अप्लाई कर दो क्या होगा
2 in bracket 2 plus 0 minus 3, that is 1, 4 minus 3, 4 minus 3, that is 1, फिर f of 2, equality कहां पर है, यहां पर equality है, equality के लिए 2 into 2 minus 3, that is 4 minus 3, that is 1, f of 2 की value भी क्या आगे, 1, मतलब क्या हो गया, LHL equal to, RHL equal to, f of 2, मतलब क्या हो गया, function fx is continuous at x equals to 2. Okay. नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके टेक्स्ट बुक में, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर तक आप क्वेश्चन को ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको कंटिन्यूटी चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको फर्स्ट ही बोला था, लिमिट स्टार्ट किया था कि लिमिट पर जो कंटिन्यूटी है वो लिमिट पर डिपेंडेंट है, और जो डिफ्रेंसिबिलिटी है वो लिमिट एंड कंटिन्यूटी दोनों पर डिपेंडेंट है। ओके, इस बात का ध्यान देकर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो पर्सनली। ओके।